वेलकम बैक द बूस्टर डोज ऑफ यूपीएससी प्री 2023। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज मास पीपल इज स्टक अप टू 35 और 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। माई सबमिशन इज दैट कि वंस यू आर अचीव्ड 35-40, देर इज अनदर नीड ऑफ 10-15 क्वेश्चन सो दैट योर सेलेक्शन शुड बी पक्का। तो आई ऑलवेज प्रेफर टू दैट क्वेश्चन विच इज द कॉम्प्लेक्स नेचर, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग नेचर। तो फॉर टेकलिंग दैट क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू रीड इन ए रिवर्स इंजीनियरिंग मैनर सो दैट यू शुड नॉट गेट स्टक to solve that question. So it is very useful class by refreshing that chapter, that material, important material, so that your score should go from 35-40 to 55-60. The chapter name is DPSP, Directive Principle of State. Purpose, आप समझ लीजिए, generally होता क्या है, टेक्स्ट बुक पढ़ने पे या कुछ भी पढ़ने पे चीजें जो है क्लियर नहीं होती। क्यों? बिकॉज द टेक्स्ट बुक और एनी कोर्स मटेरियल इफ यू आर स्टडिंग ऑल दिस रिटन इन द अफर्मेटिव मैनर, देर इज नो एनी इंट्रोगेटिव मैनर, बिकॉज दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट बुक कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड पे लिखेगा। You will have to create your own mindset, create your own value to understand that reverse engineering pertaining to any chapter or any content. So, by making such type of methodology, you will get a score undoubtedly. So, we come to the chapter that is DPSP, that is under article 36 to 51, or the part of samvidhan is the fourth part. This is crucial because many times it asks the in which article it is written DPSP and in which part. So just remember that the part is number is 4 and article is 36 to 51. Khatam. Purpose kya hai? Aayega usme hai ki state is a welfare state or पुलिस स्टेट, पुलिस भी रहती है ना, पुलिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो व्हाई इट इज रिटन दैट द पर्पस ऑफ डीपीएसपी इज वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट, सो दैट इज वेलफेयर स्टेट नो डाउट, बट यू कैन नॉट मेक योर कंफ्यूजन दैट द पुलिस इज पोस्टेड, पुलिस इज अवेलेबल इन द स्टेट अंडर थाना एंड डिस्ट्रिक्ट। In that situation, you will get confused. Yeah, yes, पुलिस राज्य भी है। पुलिस राज्य का मतलब होता है कि जहां पे योर लिबर्टी इज कन्फाइंड, योर लिबर्टी इज कॉन्स्टेंट। ये पंखा चला दो जरा, क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज द पर्पस ऑफ डीपीएसपी इज टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। What is social democracy? You should not get differentiated on the ground of social account. Social account, what is the social account? That is your gender, that is your caste, creed, regional variations. ये सब चीजें जो है social democracy है, और on that basis you can not make any differentiation amongst the people of India. And social democracy means you will have to include the social inclusion, clear है ना? इसका उल्टा मैंने बताया था, that is social exclusion. You will have to focus on social inclusion to establish the social democracy. Exclusion means बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, to not incorporate the people whosoever is the bottom pedestal of their social life. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स यू ऑलवेज ट्राई टू हेट, अरे कहां से चला आया फिर, कहते हैं ना
बेगर है जैसे सपोज, ट्रांसजेंडर है, रोड पे जब भी जाइए तो वी पीपल आर नॉट सो कर्टियस, आदमी परेशानी फील करने लगता है ना. तो दैट इज द सोशल इंक्लूजन, दैट इज सोशल डेमोक्रेसी. अब देखिए इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, बट आई हैव पिक्ड द आर्टिकल्स नंबर हू विच एवर इज वेरी क्रूशियल, विच एवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर यूपीएससी प्री. सो दैट इज दैट आर्टिकल विल हैव टू मेक इन क्रैम, यह रटना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मुश्किल होगा. अनुच्छेद 39 का, देट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट कि वो जो है, अभी हम बोल भी रहे थे, निःशुल्क फ्री लीगल सपोर्ट. क्लियर है ना? तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट. यू कैन नॉट ड्यूटी अ स्टेट कैन नॉट डिनाई दैट द आई एम नॉट गोइंग टू डिप्लॉय एनी एडवोकेट फॉर योर केस. He or she cannot say like this. They are bound by the Constitution under Article 39(1) that they will have to provide free advocate for fighting that case. Clear? Next is 43A, participation of laborer in profit of company. ये याद रखिएगा. नेक्स्ट इज कंपेरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपी. फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट फॉर देयर एक्शन, लिमिट करता है उसको, रेस्ट्रिक्ट करता है, और दिस इज द गाइडलाइन ऑफ अ स्टेट. क्लियर है? इट इज इन सम कॉन्स्टिट्यूशन. ये इसको जो है लागू करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू मेक एक्ट, उसके लिए जरूरत नहीं है. दैट इज इनफोर्सेबल, दैट इज नॉट इनफोर्सेबल. ये तीन चीज आपको याद रखना है भाई, ये अगर आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी. बस उसके बाद आप सीधे सीधे आ जाइए इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल्स पे. 36 डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट नॉट इनफोर्सेबल, 37 सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, 38 प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, 39 पंचायत, 40 राइट टू वर्क अनुच्छेद, 41 42 ये जितना टर्म लिखा है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, 42 वर्किंग प्लेस, 43 मिनिमम वेज, 44 समान नागरिक संहिता. ध्यान रखिएगा कि ये जो है गोवा में लागू है, ठीक है ना? ओनली इंडियन स्टेट गोवा इज कवर्ड, इज इन्फोर्स देयर कॉमन सिविल कोड ओवर देयर पीपल, देयर डोमिसाइल पीपल. हिंदू दो शादी का भी एक है वहां पे. बेसिकली गोवा वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ पुर्तगीज एंड एज फार एज माई मेमोरी इज कंसर्न द पुर्तगीज फेलो वेंट बैक इन 1961 और 62, ठीक है ना? इंडिया आजाद हो चुका था 47 में, तो जब वो गए पुर्तगीज वेंट बैक टू देयर कंट्री, तो न्यू गवर्नमेंट हैज टेक ओवर इंडियन गवर्नमेंट. तो वॉट एवर द रूल वॉज implemented at that time, that rule became continued for the further and on date, till date there is no any requirement to make it edited. So this was the reason behind that this common uniform civil code. India में कहीं लागू नहीं आज तक, वहां इसीलिए लागू था कि पहले से था, वो continue कर गया. In that situations, there are the two for Hindu people, not non-Hindu. They were entitled to get two marriage. So, उसमें भी conditions है. The condition is that the first wife should be ready, है ना? पहला. दूसरा condition है कि by first wife no any children, no any issues. तब करेगा, अदरवाइज लीगली नहीं करेगा, ठीक है ना?
एक प्रोविजन है, हालांकि इसका उपयोग रेयर हुआ है, दैट इज द रेयरेस्ट केसेस, वहां के लोग जानते भी नहीं है। खैर, एक बार चीफ मिनिस्टर बोला था तब मुझे पता चला। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, 46, 47 मद्य निषेध, 48 कृषि पशुपालन ये सब जो मैनुअल, 48 क्रॉप पर्यावरण, ASI, ASI क्या है ये, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 49, 50 और 51। तो इतना आपको जो है याद रखना पड़ेगा भाई, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है रिवर्स इंजीनियरिंग आता है कि हाउ द क्वेश्चन विल फ्रेम्ड इन प्री और मेंस व्हाटएवर। ये बोल रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट इज लाइक ए पॉइजनलेस स्नेक, ठीक है ना। डीपीएसपी इज लाइक पॉइजनलेस स्नेक, डिस्कस दैट हाउ इट विल बी मोर यूजफुल। अब देखिए जब यहां कह रहा है कि कैसे वो यूजफुल होगा, क्योंकि इन्फोर्सेबल तो है नहीं, दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल। वंस इट इज नॉट इन्फोर्सेबल देन इट लुक्स लाइक ए स्नेक विच डज नॉट हैव एनी पॉइजन। आफ्टर दैट हाउ डिड यू, हाउ वुड लाइक टू मेक इट मेन मोर यूजफुल। लीगल प्रोविजन है नहीं, तो क्या लीगल प्रोविजन कर देने से होगा, नहीं होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। और दूसरी बात कि पीपल विल नॉट कास्ट देयर वोट ऑन द परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, अदरवाइज देयर इज नो एनी लॉजिक, देयर इज नो एनी वेज टू कंट्रोल दैट गवर्नमेंट शुड मेक इट इन्फोर्सेबल, इट इज वेरी टफ। तो जब तक जो है लोग परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अनलेस अंटिल द पीपल नॉट कास्ट देयर वोट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, टिल देन द प्रॉब्लम विल नॉट गो। भाई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, दैट इज डायरेक्टिव बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दैट सिनेरियो व्हाई गवर्नमेंट शुड बी कम इन नेक्स्ट टेन्योर, पीपल शुड कास्ट देयर वोट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। वंस परफॉर्मेंस इज नॉट टेकन प्लेस इन गुड मैनर, देन व्हाई शुड आई कास्ट द सेम पार्टी, ठीक है ना। तो दिस इज द वे। दूसरा कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट इज मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट, गांधीयन एंड उदारवादी, वही है। उसको एलाबोरेट कर देना कि मध्य निषेध महात्मा गांधी कहते थे कि दारू नहीं पीना है, दैट आर्टिकल टू बी मेंशन, है ना। तो गांधीवादी आ जाएगा उसमें, समाजवादी में आर्थिक विकास सबको 39 ही आ जाएगा, समाजवादी में 44 भी आ जाएगा। तो आपको उसी बेसिस पे छांट देना है जो हम बताए। लिबरलिज्म जो दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, दे शुड गेट द इंसेंटिव, दे शुड गेट द बोनस एज पर द डिविडेंट, एज पर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देता है लेकिन पूरा नहीं देता अभी भी, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। एक टर्म ये भी आता है कि व्हाट इज पीआरपी, या कहीं पे कोट किए होगा, तो दैट पीआरपी इज नॉट गेटिंग बाय द एम्प्लॉइज इन द प्रेस्क्राइब मैनर, दैट इज जस्ट सम बोनस आउट ऑफ। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का मतलब है कि व्हाट एवर यू हैव परफॉर्म इन द प्रीवियस डेज, ठीक है ना, आपका एपीआर भरा जाता है ना, तो एपीआर दैट इज एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हाउ मच मार्क्स यू गॉट इन आउट ऑफ 100, है ना। सपोज यू गॉट 90, देन योर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे विल बी 100, इफ यू आर गेटिंग मोर देन 90 देन इट विल 110, सपोज इन यू आर गेटिंग 80 देन इट विल रिड्यूस 90, दैट इज फॉर्मूला, दैट इज द टेल विद द योर परफॉर्मेंस
ऑन द बेसिस ऑफ योर एपीआर, क्लियर है। और उसमें भी द व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी डज नॉट मीन दैट द सपोज 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपया में कितना बांटेगा ये कुछ पता नहीं है, उनका इंटरनल फॉर्मूला है, तो दैट इंटरनल फॉर्मूला इज नॉट अप टू द मार्क बिकॉज दैट इज नॉट डिराइव्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दैट फॉर्मूला। मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया उस फॉर्मूले पे, आपको दे रही है, क्लियर है। जब तक आम जनता में देखो वही आ गया, unless until the people will not be able to cast their vote on the performance basis and they will be casting their vote of the caste, religion and community, till then DPSP implementation will be slack। डॉक्टर अम्बेडकर का एक कथा नहीं है, है ना, तो इसको आपको हमने बताया कि how the things will move। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd amendment, 51A जोड़ा गया, 10 है, 10 प्लस 12 हो गया शायद अब, नो लीगल प्रोविजन फॉर इंप्लीमेंट, बट दिस इज द अगेन कैच विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैच। व्हाट इज दैट कैच? कि यह मौलिक अधिकारों से संबंध है, इट मींस इफ यू आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज इन दैट सिचुएशन, फंडामेंटल ड्यूटी, इफ यू आर नॉट ओबेइंग योर फंडामेंटल ड्यूटी देन यू कैन नॉट क्लेम योर फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो वो हाँ ऑन दैट बेसिस यू विल बी लूज द केस, है ठीक है ना, तो ये जुड़ा हुआ है, भले इन्फोर्सेबल नहीं है, सरकार आके गला नहीं दबा रही है कि भैया क्यों जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्यों गंदगी फैला रहे हो, आपसे कहेगी कि भाई साफ सुथरा रहिए, सबका ध्यान रखिए, ये कहेगी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना बेटर है, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट है एजुकेशन देना, तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट एज वेल एज स्टेट एज वेल एज सेंट्रल, नहीं स्टेट एंड गार्जियन इंडिविजुअल, दैट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट आपको प्रोवाइड करेगी एजुकेशन फ्री में, बट अगर एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कर भी दे और आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे तो सरकार क्या करेगी, तो दैट इज अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, इसीलिए उसकी ड्यूटी में दिया हुआ। अगर वो बच्चे को नहीं भेज रहा तो आप उसको जेल नहीं भेजेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल, है ना, तो वही क्वेश्चन है कि भाई सरकार क्या करेगी जब तक कि गार्जियन इज नॉट रेडी टू गिव द एजुकेशन ऑफ हिज और हर चाइल्ड, तो इसके बारे में आपको जो है ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, what is governance, the interaction between interactive system pertaining to laws, norms, rules, etc., which is meant for making the society organized and functional, that is governance। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अब ये है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, ये बेसिकली आपको काम आएगा कहाँ पे, मेंस में, प्री में इसका रोल बहुत कम है लेकिन कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं, तो यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी। तो पार्टिसिपेटरी नाम से पता चल रहा है, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मीन्स Anybody can come to my office and ask any question. That is not closed like North Korea, है ना? That is open.
endurance and capacity, transparent, force, सर्वसम्मति पर बल, मतलब मास डिसीजन है, कह रहा टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है ना। आप जानते हैं ना टॉप डाउन और बॉटम अप, तो दैट इज टॉप, नॉट टॉप डाउन, दैट इज द बॉटम अप अप्रोच, इज एफिशिएंट, रूल बाउंड। इवन जुडिशरी में भी यही हो रहा है ना। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स वाई इट इज रिकमेंडेड, अदरवाइज इट विल बी, डेमोक्रेसी सिस्टम विल बी फेल, इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है इस टाइप से। इंडिकेटर्स ऑफ फॉर गुड गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन का आपको अधिकार मिला है, ई गवर्नेंस चल रहा है, न्यूनतम गवर्नमेंट दैट इज क्या गया, ये मैक्सिमम गवर्नेंस यही है, डिसेंट्रलाइजेशन, मेक इन इंडिया, कोऑपरेटिवनेस, यस, और मेक इन इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ई नेम, डायरेक्ट ट्रांसफर इन अकाउंट, डीबीटी, ई नेम आपको बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन तमिलनाडु में सबसे पहले लागू हुआ, दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, की हाउ द रेट इज फ्लक्चुएटिंग इन कंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, तो आप ऐप पे देख सकते। एमएसपी तो डिफरेंट है ना, ई नेम में तो पूरा मार्केट ड्रिवन है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एमएसपी इज टोटली डिफरेंट, अगर आपको कहीं माल नहीं बिक रहा है, देन यू कम टू मी, आई एम द गवर्नमेंट एजेंसी टू परचेज योर गुड्स ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और दूसरा जो है ईनेम है, दैट इज रिलेटेड विद द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मीन्स, यस यस, तो ये जो है मार्केट है, हाँ एग्जैक्टली। अब एक्स कमोडिटी का रेट यहाँ एक रुपया है पर केजी, हो सकता है यहाँ 1.5 हो, यहाँ हो सकता है 2.5 हो, मार्केट ड्रिवन, ऑफ कोर्स दैट इज मार्केट इकोनॉमी, दैट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड इकोनॉमी। एमएसपी इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दैट इज द एडमिनिस्ट्रेड प्राइस ना, एमएसपी इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, नहीं नहीं, मार्केट इज मार्केट भाई, हम आपको एक रुपये में खरीदेंगे, आप कह रहे नहीं हम 1.25 रुपये में बेचेंगे, और बाद में कोई आया कहने, यस यस यस, दैट इज द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि रेट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इंटरवेंशन इन दैट सिस्टम, बट वेयर द एडमिनिस्ट्रेट मार्केट इज अवेलेबल, इन दैट केस द मार्केट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कि यू विल हैव टू सेल दिस पेट्रोल और दिस एक्स वाई जेड व्हाट एवर द थिंग्स 24 या 29 प्रोडक्ट्स दैट इज मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेट पर्पस। अब होता क्या है, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि ये एमएसपी है, आज तो ये एमएसपी 100 रुपया है और यहाँ पे 150 रुपया था, हो सकता है ये तो 100 हमेशा ही रहेगा, ये हो सकता है 150 से गिर के 75 आ जाए, तब लोग भागेंगे एमएसपी में, समझ गई ना। तो दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ मार्केट, मार्केट इकोनॉमी को देख अपना, क्योंकि यस यस गवर्नमेंट, नहीं मेरी मर्जी है, मेरे पास अगर 100 टन गेहूं है तो मैं मार्केट में बेचूं या आपको बेचूं, अब हो गया ना क्लियर, वो उसकी मर्जी है। और उसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट का अलग रेट होता है, वो नियर अबाउट सेंटर के पास ही होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है एमएसपी से कंट्रोल डायरेक्टली हर चीज नहीं होती, बल्कि मार्केट ड्रिवन है, और वो हाँ बस हाँ हाँ बस बस
सो दैट दे शुड फील एश्योर कि माई प्रोडक्ट हाँ वहां जाके बेच सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसकी कहानी अलग है कि उसका प्रैक्टिकल इंपेरिकल क्या है, प्रैक्टिकलिटी में बड़ा टफ है। वहां ले जाने पे वो कहता है कि मैं नहीं लूंगा गेहूं, इसमें जो है मिट्टी है, इसमें ये है 50 तरीके, फिर छांटेगा सॉर्टिंग वगैरह। करप्शन, न्यायिक देरी, केंद्रीकरण मीन्स चुनौती है, चैलेंजेज में देखिए स्टेट के लिए क्या है, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जुडिशियल डिले, जुडिशियल बात तो सही है लेकिन कैसे होगा ये क्वेश्चन, रिसोर्सेज इज वेरी लिमिटेड। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड सो मेनी प्लेटफॉर्म सो दैट यू शुड गेट द न्याय, गेट द जस्टिस इन इनिशियल लेवल। दैट वॉज द न्यायिक एक्ट हमने पढ़ाया था ना, जुडिशियल एक्ट पंचायत लेवल पे जो है 2008 में, वो सब चीजें हैं। तो जुडिशियल डिले है, फिर सेंट्रलाइजेशन है पावर का, प्रेस की आजादी, इट इज ऑल्सो ए चैलेंजेज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कम्युनलिज्म, संरक्षणवाद, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, ट्रीज एंड प्लांट्स, ऑल दिस, प्रोबिटी, शुद्धता, सुचिता, कहते हैं ना प्रोबिटी मीन सुचिता, दैट इज मोर ऑर लेस कोरिलेटेड विद द एथिक्स, मोरल्स। So that is the challenges for the states. अब उसमें कई ऑप्शन देगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेट इज मीन्ड फॉर द वेलफेयर टू द पीपुल ऑफ दैट स्टेट। अब वो ऐसा कुछ ना करे, स्टेट शुड नॉट डू सच टाइप ऑफ न्यूसेंस, सच टाइप ऑफ एक्शन सो दैट द पीपल विल गेट डैमेज। उसकी ड्यूटी है कि सबको जो है सुखी, स्वस्थ, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल जस्टिस टू बी ग्रांटेड, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आगे क्वेश्चन है इस पे, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन गवर्नेंस, हाउ कैन यू एस्टेब्लिश दैट पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन गवर्नेंस सिस्टम, रेफरेंडम के संदर्भ में कह रहा है, डिस्कस दिस इश्यू विथ द रेफरेंडम। अभी बड़ा टेढ़ा हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन गवर्नेंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द गुड गवर्नेंस। और फिर बाद में कहता है कि जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या होता है, व्हाट इज रेफरेंडम, ये प्री में आता है, रेफरेंडम मीन्स कि किसी मुद्दे पे टू एसेस द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑफ दैट स्टेट और दैट कंट्री ऑन द पर्टिकुलर इश्यूज, जैसे जैसे 370 हटाने, अब तो हट गया, बिफोर दैट इट वाज अंडर डिबेट दैट द रेफरेंडम शुड बी मेड। तो हर चीज पे रेफरेंडम ही होगा तो सरकार कैसे चलेगी। मद्य निषेध, प्रोविजन ऑफ एल्कोहल इन बिहार, अगर ये लॉ बनाना है और रेफरेंडम में चले गई सरकार तो लॉ तो बनने से रहा, एक तो एक्सपेंसिव है पहली बात, दूसरा टाइम टेकिंग, तीसरा रिसोर्स मिस यूटिलाइजेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जनमत संग्रह रेफरेंडम जो नहीं हो सकती, अदरवाइज शासन व्यवस्था गवर्नेंस कुड नॉट रन प्रॉपरली बिकॉज द टाइम डिले एंड कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अराइज। तो इसलिए जनमत संग्रह नहीं हो सकता, बट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकता है। कैसे कैसे होगा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जो भी स्कीम्स या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज being done by state, in that creation of resources should be planned along with the participation of community, clear है ना, आप उसको वहां से जोड़ दीजिए, so that will be much more better than the referendum।
So, whatever the system is planning to execute, that planning to be dovetailed with the participation of community. खत्म, ये है. दूसरा है, हाँ, whether the government, present government, governance is acting by the de-alienated from the participation. कहना है ये भी. तो आप डायरेक्ट इसको यस नहीं कह सकते, लेकिन लिटिल बिट इट इज इंक्लाइंड. इट इज द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन. देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इज एससीसी, दो ही लोग हैं उसमें, है ना. जो हमने पढ़ाया था सीएसआर, वो जो हेड ऑफ द कंपनी, ही इज डिसाइडिंग कि व्हाट एमिनिटीज विल बी एस्टेब्लिश इन फलाना गांव एक्स वाई जेड. तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग. तो उसको जो है कैसे ठीक करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. तो प्रतिभागिता का सिद्धांत लागू करने से फायदा है, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट सो लिबरल टू मेक पार्टिसिपेशन ऑफ हुस ओवर अ स्टेक होल्डर इज एसोसिएटेड. थर्ड आ गया वही, प्रेस एंड मीडिया, स्कोप ऑफ प्रेस एंड मीडिया इज गेटिंग स्क्वीज, मेक द रीजन एंड इसके दूरगामी परिणाम. प्रेस मीडिया जो हमने डिस्कस किया वही है. मानव स्वभाव से व्यक्तिवादी होता है. ह्यूमन नेचर इज बाय बर्थ ह्यूमन नेचर इज इंडिविजुअलिस्टिक, नॉट कलेक्टिविस्टिक. पहले अपना पेट भरे, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स. तो मानव पैदाइशी जो है व्यक्तिवादी होता है. दैट्स वाई ही ऑलवेज एक्सेप्ट द फिलोसफर किंग ऑफ प्लेटो, उसको अपना जो आइडियल मानता है. मानव, ह्यूमन इज सो इंडिविजुअलिस्टिक दैट ही और सी ऑलवेज ट्राई टू बिकम लाइक द फिलोसफर किंग ऑफ प्लेटो. प्लेटो का फिलोसफर किंग एक लाइन में जानना जरूरी है कि वो कहता था कि राजा, किंग ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द कंट्री शुड नॉट गेट मैरिड, शुड नॉट गेट प्रोक्रिएट चिल्ड्रेन, एंड ही और सी शुड बी द अवे फ्रॉम द गोल्ड एज वेल एज वीमेन और मेल, वट एवर, दैट इज द थ्योरी. तो ये पूछ रहा है कि उसका डिस्कस करें. तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप देख ही लीजिए, जो हमने बताया है उसके साथ थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कस एंड विल बी अवेलेबल ऑन द प्रीसा आईएएस ऐप. काइंडली मे गेट डाउनलोड दैट ऐप एंड टेक द क्लास फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म. थैंक यू.